आज का हमारा टॉपिक है एलोपिशिया आरियाटा। एलोपिशिया आरियाटा को हम आम पाकिस्तानी लैंग्वेज में बालचर कहते हैं, और इसका ऑनसेट ओनली स्कैल्प में नहीं होता, पूरी बॉडी पे भी हो सकता है। बट स्कैल्प में अगर होगा तो पैची लॉसेस होंगे और डिफरेंट एरियाज़ में होंगे, लाइक इट कुड बी इन द फ्रंटल रीजन, ऑक्सीपिटल रीजन, एनी वेयर। डोनर और रिसिपियंट एरिया दोनों को अफेक्ट कर सकता है। और अगर हम ये स्कैल्प के बाहर जाएगा, आईब्रोज, आई लैशेज, बॉडी हेयर, हर चीज़ इससे जा सकती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, और इसका जो ट्रीटमेंट है वो मैं बड़ी दफ़ा कह चुका हूँ कि ये अर्ली लॉसेज में ट्रीटमेंट इसका पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? बिकॉज वो रूट से डैमेज नहीं हो रहे होते बाल, वो टेपरिंग हो रही होती है। टेपरिंग मीन्स के ऊपर से गिर रहे होते हैं, नीचे रूट उनकी महफूज होती है। और हम कहते हैं साल, 1.5 साल, 2 साल, इवन 3 ईयर्स आफ्टर भी कोई पेशेंट आता है तो वो ट्रीटेबल होता है, और उसको ट्रीट कर लिया जाता है और बालों को वापस ले आते हैं। उसका लाइफ स्टाइल थोड़ा चेंज करते हैं, उसकी स्ट्रेसेस कम करते हैं, हार्मोनल एसेस देखते हैं। फीमेल में है तो फिर हम उसके बाकी जैसे हार्मोनल एनालिसिस भी करेंगे, और उसका एनीमिया भी देखेंगे, थायराइड डिजीज भी, कोई फैक्टर, ऑगमेंटिंग फैक्टर ना उसके बैकग्राउंड में चल रहा हो उसको वैल्यूएट करेंगे। बट द थिंग इज़, फॉर योर नॉलेज ये ज़्यादा ज़रूरी है कि एलोपिशिया आरियाटा होता क्या है। एलोपिशिया आरियाटा बालचर को कहते हैं। इट कैन इन्वॉल्व द होल बॉडी, स्कैल्प में भी हो सकता है, आईब्रोज, बियर्ड, एवरीवेयर हो सकता है। उसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट शुड बी डन बाय दी डॉक्टर। डायग्नोसिस करेंगे, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करेंगे, और ट्रीटमेंट में प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी है। एलोपिशिया आरियाटा पे एक आपका क्वेश्चन आया था कि क्या सर्जरी से वो उसकी रिकवरी है? एब्सोल्युटली नॉट। सर्जरी करेंगे तो वो हमेशा से मैंने देखा है कि वो एग्रेवेट कर जाता है, ऑगमेंट वो बढ़ जाता है। और आप अगर सर्जरी इन एलोपिशिया आरियाटा या बालचर के अंदर सर्जरी मीन्स हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो ज़्यादा गिरते हैं, ज़्यादा गिर सकते हैं। तो इसलिए आप अच्छे डॉक्टर को मिलें, वो उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट इज़ ए स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट, डॉक्टर को पता है उसका ट्रीटमेंट क्या है, और उससे आपको फ़ायदा होता है। बट थिंग इज़, अर्ली डायग्नोसिस होनी चाहिए। आप जल्दी जाएं, जब भी आपको इस किस्म की कोई फीलिंग्स आए, आपके ऑकवर्ड हेयर लॉसेज हो रहे हैं इन फीमेल, मेल जेंडर बोथ, दोनों में, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि वो आपकी डायग्नोसिस बनाए। और अर्ली ट्रीटमेंट का ही फ़ायदा है। जब आपका टाइम गुजर जाएगा फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं, फिर वो डॉक्टर भी आपके लिए ही वुड बी अनएबल टू डू एनीथिंग फॉर यू।